बताने वाले हैं कि थर्मोबैरिक वेपन्स कैसे काम करते हैं और यूक्रेन में इस समय क्या स्थिति है। जैसा कि आपने सुना होगा कि गंगा प्रोजेक्ट के थ्रू मोदी जी अपने बच्चों को वापस बुला रहे होंगे, लेकिन वहाँ की हालत बहुत खराब है और सुन रहे हैं कि कुछ देर के लिए दो सिटीज में सीज फायर हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों को आसानी से निकाला जा सकेगा। चलिए हम बताते हैं क्या होता है। व्हाट इज अ वैक्यूम बम? अ वैक्यूम बम इज एन एडवांस वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग री इम्पोज्ड बिल्डिंग एंड वेपराइजिंग द ह्यूमन बॉडीज विद इन इट्स एरिया ऑफ इम्पैक्ट। जब वो बम फटता है तो बिल्डिंग जो जितनी हो वहाँ की होती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है और हाँ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो वेपराइज हो करके ख़त्म हो जाती है, उसका पता भी नहीं लगता है। द बॉम कंसिस्ट ऑफ फ्यूअल कंटेनर्स एंड टू सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस। व्हेन वैक्यूम बॉम हिट्स द टारगेट द फर्स्ट चार्ज इग्नाइट्स द कंटेनर एंड डिस्पर्स द फ्यूअल दैट मिक्स विद द ऑक्सीजन। इसमें दो कंटेनर होते हैं जिसमें पहला जब वो कंटेनर खुलता है तो वो उसका फ्यूअल चारों ओर डिस्पर्स हो जाता, फैल जाता है और ऑक्सीजन जो एयर में होती है उससे मिक्स हो जाता है। द सेकेंड चार्ज डिटोनेट्स दिस फ्यूअल क्लाउड कॉजिंग शॉक वेव्स एंड हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन। और दूसरा चार्ज जब आता है तो उसमें हाई टेम्परेचर का एक्सप्लोजन होता है। द डिटेक्शन और शॉक वेव जनरेट होती है। द डिटेक्शन ऑफ द क्लाउड क्रिएट्स अ मैसिव फायरबॉल शकिंग ऑल द ऑक्सीजन इन द ब्लास्ट रेडियस। और जो ऑक्सीजन फ्यूल में एब्जॉर्ब हो जाती है, मिक्स हो जाती है, वो जो शॉक वेव जनरेट होता है उसके हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। तो इस तरह से कुछ क्रिएशन होता है, पहले ये फॉर्म होता है फिर उसके बाद एक्सप्लोजन होता है। तो दो कंटेनर्स होते हैं जिसमें एक में पहले फ्यूल ऑक्सीजन से मिलता है और फिर उसके बाद दूसरा जब डिस्चार्ज होता है तो वो एक्सप्लोजन होता है। व्हाट आर द थर्मोबैरिक वेपन्स एंड हाउ डू दे वर्क? तो वैक्यूम जो आपको हमने अभी बताया, वैक्यूम बॉम्ब जो होता है वो थर्मोबैरिक वेपन है। थर्मोबैरिक वेपन्स आर जनरली डिप्लॉयड एज रॉकेट और बॉम्ब एंड दे वर्क बाय रिलीजिंग फ्यूल एंड एक्सप्लोसिव चार्जेस। तो ये कैसे बॉम्ब डाला जाता है? रॉकेट के थ्रू डाला जाता है। डिफरेंट फ्यूल्स कैन बी यूज इंक्लूडिंग टॉक्सिक पाउडर मेटल एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेन ऑक्सीडेंट। तो अब उसमें जो कंटेनर से फ्यूल निकलता है वो उसमें डिफरेंट तरह के मेटालिक मैटर्स होते होंगे, टॉक्सिक पाउडर होते होंगे जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। अब क्या होता है, थर्मोबैरिक वेपन्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ रॉकेट लॉन्चर ऑन अ टैंक लाइक द टॉस वन हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम विच हैज अ फायरिंग रेंज ऑफ 3.7 माइल। इसमें से जो निकलता है थर्मोबैरिक वेपन वो जो उसकी स्पीड जो होती है 3.7 माइल्स होती है और उसका थ्रो जो होता है बहुत अधिक होता है। 100 फीट अबव द ग्राउंड अ फर्स्ट चार्ज क्रिएट्स अ क्लाउड ऑफ हाईली फ्लेमेबल एरोसोल फ्यूल। तो जो फर्स्ट होता है फर्स्ट चार्ज होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए जब हो रहा है तो ढेर सारी क्लाउड बन जा रही है जो हाईली फ्लेमेबल होती है। सेकेंड चार्ज इग्नाइट द एरोसोल क्लाउड एंड क्रिएट्स अ ह्यूज शॉक वेव। तो ये जो क्लाउड बनती है तो जो दूसरा चार्ज होता है तो उसमें शॉक वेव्स क्रिएट होती है। अब जो शॉक वेव क्रिएट होती है, एयर रशेस टूवर्ड्स द एक्सप्लोजन क्रिएट्स अ वैक्यूम। तो जैसे ही ये शॉक वेव बनती है तो एयर जो होता है उसकी तरफ क्रिएट करता है वैक्यूम को एक्सप्लोजन की तरफ से,
और फिर उसके बाद ब्लास्ट होता है. एक्सप्लोजन क्रिएट्स अ ब्लास्ट वेव ऑफ अ सिग्निफाइड लॉन्गर ड्यूरेशन देन दैट ऑफ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव. जो जनरल एक्सप्लोजन होता है उसके बनस्पत इसका ब्लास्ट जो होता है वो बहुत अधिक होता है. अब यूक्रेन में इस समय 15 न्यूक्लियर प्लांट हैं जिनमें से 2 पे रशियन ने ऑक्यूपाई कर लिया है. तो यूक्रेन में कीवी और जेपर्जिया का उन्होंने ले लिया है प्लांट जिसपे कैप्चर कर लिया है. अब इस समय मालदोवा में सीज फायर चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है. पोलैंड रोमानिया और लेली के थ्रू जिसमें से बेलारूस जो है वो रशियन को सपोर्ट कर रहा है. कार्किव में बहुत ज़्यादा बैटल चल रही है जिसमें आपस में एक दूसरे को ये लोग बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं. वॉट इज़ द लेटेस्ट इन यूक्रेन. सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिविलियन टारगेट बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली हिट. बहुत ज़्यादा सिविलियंस को हिट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बच्चे मर गए, बहुत से लोग मर गए हैं. द साउथ ऑफ कंट्री एक्सेस फ्रॉम अ ब्लैक सी एंड फ्रॉम द नॉर्थ द ईस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल. अब क्या कर रहे हैं, साउथ में ब्लैक सी है और नॉर्थ ईस्ट में कंट्री जो है वो उसमें भी ये फायरिंग कर रहे हैं. यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की डिमांड फॉर नो फ्लाई जोन. उन्होंने कहा कि अगर हवाई हमले को रोक दिया जाए तो हम लोग कुछ बच सकते हैं और इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, और अदरवाइज अगर हम हारे तो पूरा यूरोप जो है वो खतरे में हो जाएगा. ही सेड ऑल द पीपल हु डाई विल डाई बिकॉज ऑफ यू. लेकिन नाटो ने और वेस्ट उनके लोगों ने इसको नो फ्लाई जोन को एक्सेप्ट नहीं किया है, अलाउ नहीं किया है. और वो अलाउ ना करने का रीज़न है ये है कि अगर वो अलाउ कर देंगे तो रशियन जो है एटॉमिक वॉर कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग LVMH अमंग दोज स्टॉपिंग सेल इन रशियन कंट्री. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग LVMH इन सब ने अपने सेल को रशियन कंट्री में बंद कर दिया. इंडिपेंडेंट मीडिया फर्म्स इंक्लूडिंग द BBC हैव अ सस्पेंडेड वर्क इन द कंट्री आफ्टर मॉस्को अप्रूव द ड्रेकोरियन लॉ. देख ड्रेकोरियन लॉ बन गया जिसके थ्रू जो होता है अगर कोई भी वहाँ पर अब मीडिया काम नहीं कर सकता है. सेंसरिंग रिपोर्टिंग ऑफ द वार इन यूक्रेन. और इसको इसलिए किया गया कि वो वॉर यूक्रेन के वॉर के बारे में कुछ ना बता पाए. द मेयर ऑफ द मैरीपोल इन साउथ ईस्ट यूक्रेनियन हैज अपील फॉर यूनिटेरियन कॉरिडोर टू दिस सिटी इन दैट ही कॉल्ड अ ब्लॉकेड बाय रशियन फोर्स. रशियन फोर्स के द्वारा जो रोक दिया गया है उसके लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा पैसेज दिया जाए जिससे कि वहाँ के सिविलियन निकल सके मानवता के नाते. रशियन हैज बैंड फेसबुक एंड नाउ देयर आर रिपोर्ट इट हैज आल्सो ब्लॉक एसेस द ट्विटर एंड यूट्यूब. और रशियन ने इसी वजह से कि कोई भी वॉर के बारे में फालतू बात ना कर पाए इसलिए उन्होंने यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया. मोर देन अ मिलियन हैव ऑलरेडी फ्लेड यूक्रेन. इसके कारण बहुत से मिलियन करोड़ों लोग जो हैं यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं और इस समय 2 सिटीज में सीज फायर चल रहा है जिससे उन लोगों को बाहर निकाला जा सकता है. रशियन अटैक ऑन यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट वॉज रेकलेस एंड यूज्ड टेल एज एमरजेंसी मीटिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. उन्होंने 2 पावर प्लांट पे बहुत अधिक वार करके कब्जा कर लिया है. बट रशियन सेज देयर इज, बहुत लोगों ने कहा कि अब ये पावर प्लांट में से एटॉमिक लीकेज हो जाएगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. तो उन्होंने रशियन के लोगों ने कहा कि के प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. अब इंटरनेशनल मॉनिटर से नो रेडियो एक्टिव मटीरियल वॉज रिलीज एंड द प्लांट इज सेफ. उन्होंने कहा कोई भी रेडियो एक्टिव रिलीज नहीं होगा, प्लांट सेफ है.
three Russians commandos have been killed after moving closer to the front line. लेकिन उसमें तीन जो सोल्जर थे वो मारे गए जो उसके बहुत करीब थे. टेलीग्राम बैन्स रशियन स्टेट मीडिया इन यूरोप. टेलीग्राम ने भी अपना बैन कर दिया मीडिया को. टेलीग्राम हैज बिकम अ लीडिंग सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द रशियन एंड यूक्रेनियन वॉर. उसने कहा कि ये टेलीग्राम जो है वो गलत न्यूज देता है इसलिए उसको भी बैन कर दिया गया. द मैसेजिंग ऐप विल ब्लॉक रशियन स्टेट मीडिया नेमली आरटी. आरटी इज ऑलरेडी ब्लॉक बाई फेसबुक ट्विटर यूट्यूब एंड ट्विटर. और उन लोगों ने भी रशियन के मीडिया आरटी को ब्लॉक कर दिया जो पहले ही से फेसबुक ट्विटर यूट्यूब और टिकटॉक पर बैन था. EU official reportedly warned Telegram that it was being used as a mean of war propaganda. और EU ने इनको वॉर्न किया टेलीग्राम को कि आप कोई प्रोपोगंडा मत फैलाइए. मेजर US न्यूज आउटलेट पुल आउट ऑफ रशिया. इट कम एट अ न्यू लो साइन बाई प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वुड इम्पोज अ प्रिजन टर्म्स ऑफ अप टू 15 years ऑन पीपल चार्ज विद स्प्रेडिंग fake news about the war in Ukraine. The law would be effect and stop. Outlet, major US news outlet put out of Russia. Russia से बाहर कर दिया गया और उन्होंने कहा कि कोई अगर मेरे बारे में गलत न्यूज देगा तो उसको 15 साल की जेल हो जाएगी. Majority of American support end to Russian oil import. और जिसमें से बहुत से अमेरिकन ने रशिया को ऑयल देना इसे इंपोर्ट करना बंद कर दिया. द यूएस कंट्री बाय मोर देन 500 मिलियन बैरल ऑफ रशियन क्रूड पर डे अबाउट 10% ऑफ इट्स ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट. जो 500 मिलियन रोज बैरल इंपोर्ट होता था उसकी जगह 10% ओवरऑल ऑयल गया. द पोल कंडक्टेड ऑनलाइन ओवर द पास्ट टू डेज also find that 74% of Americans think that the US and its NATO allies should impose a no-fly zone over Ukraine to protect the country from Russian air strike. क्योंकि यूक्रेन के पास जो है एयर से वॉर करने की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और रशियन के पास बहुत ज़्यादा प्लेन्स है तो रशियन जो है वो हर जगह स्ट्राइक करके लोगों को के सिविलियन को और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. लाइब्रेरी स्कूल हॉस्पिटल इन सब को. तो यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने कहा कि आप व्लादिमीर ने कि आप इसको रोकिए जिससे एयर स्ट्राइक रशियन ना करे अदरवाइज बहुत अधिक लॉस होगा. द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज पर्टिकुलरली रूल्ड आउट सच अ मूव वार्निंग इट कुड रिजल्ट इन अ फुल फ्लेज वॉर. लेकिन बाइडेन ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम करेंगे तो फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाएगा. ग्लोबल रैलीज फ्रॉम यूक्रेन. देयर हैज बीन मोर डेमोन्स्ट्रेशन इन मेजर सिटीज अराउंड द वर्ल्ड इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन एंड इट्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की. अब यहाँ पे बहुत सा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और सारे देश व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं. एन एडवाइजर टू यूक्रेन प्रेसिडेंट हैज सेड द कंट्री मिलिट्री इज नॉट सक्सीडिंग बाय एक्सीडेंट और लक. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम लोग इसलिए जीत आगे बढ़ रहे हैं सफल हो रहे हैं कि हम लकी हैं. वी विल बरी अ पुतिन आर्मी. हम लोग आर्मी को पुतिन को बरी कर सकते हैं. द रशियन आर्मी इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इट जस्ट बिग. मैंने कहा बस स्ट्रांग नहीं है वो हमसे बड़ी है बस इस वजह से वो जीत रही है नहीं तो हम लोग तो उसको बरी कर दें. तो उनका हौसला बहुत अधिक है यूक्रेनियंस का और उनके प्रेसिडेंट का और उनमें बहुत ही हिम्मत है जो इतने दिन से वॉर को झेल रहे हो और अपने को बचाए हुए हैं और कंट्री को से बार बार कह रहे हैं नेटो से कि आप मेरी हेल्प कीजिए. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ वॉच फुल कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर. गो टू कम्युनिटी आंसर ऑन पोल. फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन.
फॉलो माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।